होटल सोहेल की जानिब से रमजान और मुबारक के महीने में हलीम के अलावा पत्थर का गोश्त, चाइनीज, मुगलाई और अरेबियन डिशेस के अलावा कबाब, मलाई पाया भी दस्तियाब है। रोजदारों की सहूलत के लिए मीनार गार्डन में वाक़ रैम्बो शॉपिंग फेस्टिवल में खसूसी स्टॉल लगाया गया है, जहां हलीम के अलावा दीगर मज़ेदार डिशों को नोश फरमा सकते हैं। याद रहे, होटल सोहेल की कोई ब्रांच नहीं है। होटल सोहेल का पता है नलगुंडा एक्स रोड, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के कोने कोने से आप होटल सोहेल के जायकेदार डिशेस स्विगी या जोमैटो से मंगवा सकते हैं। इसमें चार अक्यूज जो पकड़ा गया, सैयद इमरान, सैयद सईद, सैयद समीर और अज्जू। इसमें A1 to A3 तीनों बाय और A4 जो है उनका साला होना। ये इसमें अक्यूज डिसीज जो है शर्फू, वो 27 साल का है। ये कोंडारेड्डी गोडा बहादुरपुरा पे रहने वाले। एक्चुअली इन लोग का जो डिसीज लोगों का ये डाउट था कि इनका बहन के साथ इसका इलीगल रिलेशनशिप चल रहा है। मतलब इनका इन लोग का बहन 3 दिन पहले घर छोड़ के चले गए, तो इन लोग का ये था कि ये जो डिसीज है शर्फू है वो शर्फू के साथ ही है। तो 22 तारीख को जकीर होटल, 22 तारीख को नहीं, 10 तारीख को, 20 तारीख को जकीर होटल के पास, जकीर किराना के पास शर्फू को इन लोग उठाया, किडनैप किया, एक ऑटो पे लेके आप उनका घर लेके गया और वहाँ पे घर पे उसको मारा। इतना मारा है कि वो बेहोश हो गया, फिट्स भी आया, लोगों को डर लग गया कि कुछ हो जाएगा, तो उनको उसी बेहोश हालात में लेके रोड पे फेंक के चला गया। तो कई रोड पे जाने वाला उसको आइडेंटिफाई करके उसको हॉस्पिटल सुकमा जनरल हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ ट्रीटमेंट लेते हुए उसका डेथ हो गया। आज उसके इंसिडेंट के बाद इन लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तो आज कल पाकिजा होटल के पास हमारे ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन के साथ उन लोग इंटरसेप्ट किया और उनको पकड़ा। ये सारी जो जितना ऑपरेशन है, एडिशनल DCP साउथ जोन जहांगीर की डायरेक्ट सुपरविजन पे हुआ। उसमें ACP फलकनामा यादगीर स्वामी अभी एक्टिव पार्टिसिपेट किया, इंस्पेक्टर स्पेशली इंस्पेक्टर रघुनाथ, SI भिक्षम और हेड कॉन्स्टेबल अयुब, अरुण कुमार, कल्याण, बहुत मेहनत किया इन लोग, सभी लोगों को हम कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि मेहनत करके अक्यूज को पकड़ा। और साथ साथ मीडिया मित्रों के द्वारा सभी लोगों को हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जब भी कोई भी डाउट हो, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, हमको इंटीमेट कर लीजिए, तो उन लोग हम लोग इन्वेस्टिगेट करके एक्शन लेंगे। और साथ साथ ये इलेक्शन का टाइम है, MCC लागू हो चुके हैं, कोई भी MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने की कोशिश कर रहा है या उसका तैयारी में है, हमको इंटीमेट करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस का मुताबिक उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। थैंक यू।